Hello friends, today we are going to study about gene expression data analysis in cloud computing. Friends, सबसे पहले हमें समझेंगे कि ये जीन होते क्या है. एक्चुअली जीन वो फिजिकल स्ट्रक्चर है जो एक चाइल्ड को अपने पेरेंट्स से इनहेरिटेंस में मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि बच्चे का कलर माता पे गया है, बच्चे का कलर पिता पे गया है, बच्चे को विरासत में पिता से दिमाग मिला है, etc. so on. तो जितने भी कैरेक्टर्स किसी बच्चे को अपने पेरेंट्स से मिलते हैं या फैमिली से मिलते हैं, उन कैरेक्टर्स को मिलने का मेन रीजन होता है जीन्स. तो जीन्स बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट होती है हेरिडिटी में. हेरिडिटी से मीनिंग होता है यहाँ पर इनहेरिटेंस में, वो कैरेक्टर जो एक पेरेंट्स से बच्चे को मिलते हैं. जीन्स वो इंस्ट्रक्शन होते हैं जो प्रोटीन को बनने में मदद करते हैं. ह्यूमन बॉडी में जो प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है उसके पीछे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जीन्स के थ्रू प्रोटीन्स को मिलते हैं. ह्यूमन बॉडी के अंदर जीन्स की साइज वेराई करती है फ्यू हंड्रेड से मोर देन 2 बिलियंस. सो फ्रेंड्स, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि जीन्स होते क्या है. किसी भी बच्चे में पिता से या माता से मिलने वाले कैरेक्टर का मेन कारण होता है जीन्स. अगर बच्चे के जीन्स पेरेंट्स से मैच करेंगे, डेट मीन्स बच्चे को कुछ कैरेक्टर अपने पेरेंट्स से विरासत में मिल जाते हैं. अब हम देखेंगे जीन एक्सप्रेशन होता क्या है. जीन एक्सप्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ये पता करते हैं कि यदि दो अलग तरीके के जीन्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स को मिला दिया जाए तो एक नया जीन्स बन सकता है, एक नया प्रोडक्ट बन सकता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन्स. जैसे कि कई बार बीमारियों को दूर करने के लिए उन बीमारियों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है. हम बात करते हैं कैंसर की. कैंसर जैसी बीमारी का पता करने के लिए उस कैंसर के जीन्स को स्टडी करना बहुत जरूरी हो जाता है. अगर हम ट्रेडिशनल तरीका देखें तो किसी भी कैंसर की बीमारी को दूर करने के लिए केमोथेरेपी का यूज़ किया जाता है. केमोथेरेपी के अंदर जिस ह्यूमन बॉडी के जिस एरिया में कैंसर है उस एरिया में लेजर ट्रीटमेंट का यूज़ कर उस एरिया को जलाया जाता है. केमोथेरेपी में जो ट्रीटमेंट कैंसर वाले एरिया पे दिया जाता है उसमें कैंसर्स के जीन्स तो बर्न होते ही है, कैंसर्स के जीन्स तो रिमूव होते ही है, लेकिन इसका इफेक्ट जो नॉर्मल जीन्स है उसके ऊपर भी पड़ जाता है. तो केमोथेरेपी का यूज़ करने से ह्यूमन बॉडी के डिफेंस सिस्टम पे भी असर पड़ता है. यदि डॉक्टर के पास ऐसा सोर्स हो कि वो मल्टीपल जीन्स में से उन जीन्स को आइडेंटिफाई कर पाए जो कि कैंसर के जीन्स हैं, तो ऐसी स्टडी को बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन. इन जीन एक्सप्रेशंस को स्टडी कर डॉक्टर्स या रिसर्चर ये पता करते हैं कि इस बीमारी को दूर करने के लिए क्या तरीका होना चाहिए. ये जीन एक्सप्रेशंस को स्टडी करना है, इसका मतलब ये है कि जीन एक्सप्रेशंस में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स है, जो मल्टीपल वास्ट अमाउंट ऑफ जीन्स है, उनका डेटा कलेक्ट करके रखना पड़ता है. अब वो डेटा कलेक्ट करके रखने के लिए पेपर्स का तो यूज़ किया ही जाएगा बिकॉज पेपर्स पे इतना डेटा कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है. तो उन डेटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम का ही यूज़ किया जाता है. अब उस जीन्स के डेटा को कलेक्ट करने के लिए कुछ टूल्स का नाम मैंने यहाँ मेंशन किया है, जैसे कि अल्टेनालाइज एक टूल्स है, जैसे कि डीसीप एक टूल है. फॉर एग्जांपल अदर टूल इज दिस वन, गे वर्कबेंच 2.5.1 विच इज प्रोवाइडेड फ्रॉम एनसीआई, देन बेबलोमेकिस दिस इज अ टूल, देन मिर्ना दिस इज आल्सो अ टूल. दिस आर नंबर ऑफ टूल्स बट देर आर मेनी मोर टूल्स विच आर यूज्ड इन जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस. सो फ्रेंड, फर्स्ट वी विल सी कि जीन एक्सप्रेशंस को क्लाउड कंप्यूटिंग में किस तरीके से किया जाता है. अब हमने बात की अब तक जीन्स क्या होते हैं, तो जीन्स तो वास्ट अमाउंट में होते हैं. तो यदि कैंसर की बीमारी के लिए की डिसीज़ को क्योर करना है तो रिसर्चर साइंटिस्ट को पहले ये पता करना पड़ता है कि वो जीन्स का स्ट्रक्चर कैसा है, उस जीन्स में ऐसा क्या डिफेक्ट आ रहा है कि उसको दूर किया जाए. अगर मल्टीपल नंबर वास्ट नंबर ऑफ जीन्स को कलेक्ट किया जाता है तो उन जीन्स का क्लासिफिकेशन भी ज़रूरी है. तो उन जीन्स
को क्लासिफाई करने के लिए बहुत सारे एल्गोरिथम है, जिसमें से एक एल्गोरिथम होता है XCS। लेकिन उसी एल्गोरिथम का एक एडवांस रूप है जिसको हम बोलते हैं को XCS। सो क्लाउड को XCS एक ऐसा एल्गोरिथम है, एक ऐसी मेथड है जिसकी मदद से हम जिन एक्सप्रेशन में कलेक्ट किए डेटा को कैटेगरी में या क्लासिफाई करते हैं। जो को XCS होता है वो तीन कंपोनेंट से मिलके बना होता है। एक तो खुद को XCS हो गया, दूसरा अनेका हो गया। अनेका इसलिए बिकॉज हम बात कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की। यदि हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं तो हमें पास की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो अनेका यहाँ पर होता है पास, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। इसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। सो फ्रेंड्स, तीन कंपोनेंट होते हैं, को XCS, अनेका एंड क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में आस भी आ जाएगा, सास भी आ जाएगा, यूजर्स भी आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि को XCS वर्क किस तरीके से करता है। हमने पहली बात की कि को XCS एक एडवांस वर्जन है XCS का। यदि हम इस डायग्राम के अंदर देखें तो आपको एक रो दिखाई दे रही होंगी फीचर्स लिखा हुआ है। जो फीचर्स में आपको X0, X1, X lambda लाइक दिस शो हो रहा है। एक्चुअली जो X वाले जीन्स है इन्हें क्लासीफाई किया है XCS ने। यानी जीन एक्सप्रेशन में सबसे पहले क्लासीफाई कौन करता है? XCS एल्गोरिथम, कि जीन एक्सप्रेशन में जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है उस डेटा को क्लासीफाई काम करने का काम करता है XCS। देन XCS जिस डेटा को क्लासीफाई करता है उस डेटा को और भी अच्छी तरीके से, मोर बेटर तरीके से क्लासीफाई करने का काम करता है को XCS। सो फ्रेंड्स, यदि आप सेकेंड रो देखोगे तो आपको दिखाई देगा को XCS 1, को XCS 2, को XCS n। एक्चुअली ये और कुछ नहीं, जिस जीन्स को क्लासीफाई किया था XCS ने ऊपर वाली रो में, उसी जीन्स को और अच्छे से क्लासीफाई किया है को XCS में। इसलिए हम बोलते हैं कि को XCS XCS एल्गोरिथम का एक एडवांस रूप है। अब को XCS ने जिस डेटा को क्लासीफाई किया तो उस डेटा को XCS क्या करेगा? अनेका के पास भेजेगा। अनेका मीन्स प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्या करेगी? उस इंफॉर्मेशन को, उस डेटा को जिसे कि यूज़र ने को XCS की मदद से पास के पास भेजा है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस उस डेटा को स्टोर करके रखेंगी डाटा सेंटर्स के अंदर। जब वो इंफॉर्मेशन डाटा सेंटर्स के अंदर स्टोर हो रही है पब्लिक क्लाउड के अंदर, तो यूजर्स क्या करेंगे? यूजर्स उस डेटा, उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये होती है एप्लीकेशन जीन एक्सप्रेशन की क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, जिसके अंदर को XCS एल्गोरिथम जीन एक्सप्रेशन के डेटा को क्लासिफाई करके प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के पास भेजता है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस उसे पब्लिक क्लाउड पे स्टोर करती है, फिर वहाँ से उस जीन एक्सप्रेशन को डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स अपनी स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इनकी स्टडी क्यों की जाती है? यदि किसी भी डिसीज़ को क्योर करना है तो उसके जीन्स को स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब जीन्स को स्टडी करने के लिए यदि वही डेटा रेंट पे अवेलेबल हो जाए तो रिसर्चर्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हम अभी आगे देखेंगे कि जीन एक्सप्रेशन को क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज़ करने के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। यदि मैं पहले एडवांटेज देखूँ तो क्लाउड कंप्यूटिंग में जीन एक्सप्रेशंस यूज़ करने से हम थाउजेंड्स ऑफ जीन्स को एक साथ में स्टडी कर सकते हैं। अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज़ नहीं करते तो हमें नंबर ऑफ जीन्स ही स्टडी करने को मिलते हैं। बट क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा है, तो हम थाउजेंड्स ऑफ जीन्स को एट वंस स्टडी कर सकते हैं। सेकेंड एडवांटेज ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन है हमें लो कॉस्ट पर अवेलेबल हो जाती है। ना हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, ना हमें सॉफ्टवेयर खरीदने की ज़रूरत है, हमें सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, वो चीज़ होती है हाई स्पीड इंटरनेट। इसके अलावा जितनी भी सर्विसेज होती है हम क्लाउड प्रोवाइडर से रेंट पे ले सकते हैं। तो जीन एक्सप्रेशन में दूसरा एडवांटेज है लो कॉस्ट। अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर परचेस करना बेनिफिशियल नहीं होता है। तो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? जीन एक्सप्रेशन डेटा एनालिसिस के लिए उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को रेंट पे ले सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम देखें मायराना, MYRNA, मायराना एक ऐसा टूल है जो कि इंटरनेट बेस्ड शेयरिंग करता है कंप्यूटर रिसोर्सेज के बीच में जीन एक्सप्रेशन डाटा को। जैसे हमने भी ऊपर बात की थी कि जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस में बहुत सारे डेटास का यूज़ किया जाता है,
सॉरी बहुत सारे टूल्स का यूज़ किया जाता है, उन्हीं में से एक टूल है मेरेना। तो मेरेना क्या करता है कि इंटरनेट बेस्ड शेयरिंग करता है डेटा की कंप्यूटर रिसोर्सेज के बीच में। एक्चुअली फ्रेंड्स, क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या? क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन डाटा सेंटर्स में स्टोर करके रखी गई है उनको हमें शेयर करना है वर्चुअल मशीन्स की मदद से दूसरे कंप्यूटर्स के ऊपर, चाहे वो कंप्यूटर हो, मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस। तो मेरेना एक टूल है जो यही काम करता है। नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है, बंडल्स करता है, मीन्स बहुत सारे प्रोसेसिंग पावर आप बहुत सारे कंप्यूटर्स की एक साथ मिला देता है, जिससे जो भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही स्पीड से और बहुत ही क्वालिटी ऑफ सर्विस के थ्रू यूजर तक पहुंचती है। और एडवांटेज यदि हम देखें तो बहुत सारे ऐसी फर्म्स है, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजन हो गया। ये सर्विस प्रोवाइडर्स क्या करते हैं कि यूज़र्स को अनयूज्ड कंप्यूटर्स इंटरनेट की मदद से नॉमिनल रेंट पे किराए पे देते हैं। अब यदि मान लीजिए किसी रिसर्चर को ये स्टडी करना है कि कैंसर की बीमारी को ठीक करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो रिसर्चर को सबसे पहले तो इतने डेटा की ज़रूरत पड़ेगी। अब इतना डेटा ले पाना रिसर्चर के लिए ऑन द स्पॉट पॉसिबल नहीं होता है। रिसर्चर क्या करेगा, सर्विस प्रोवाइडर से बात करेगा, सर्विस प्रोवाइडर से कुछ सर्विसेज को रेंट पे लेगा। जब वो सर्विसेज रेंट पे लेगा तो उसे जीन एक्सप्रेशन का जो भी डेटा है वो उसको डाटा सेंसर से इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग को जीन एक्सप्रेशन में यूज़ करना इसलिए बेटर है बिकॉज अगर क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं हो, रिसर्चर्स का खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो रिसर्चर को खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखना, मैनेज करके रखना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, बहुत ही कॉस्टली हो जाएगा। लेकिन वही रिसर्चर उन इंफॉर्मेशन को क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू लेता है तो रिसर्चर्स का जो टाइम मेंटेनेंस या मैनेजमेंट में जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो टाइम रिसर्चर का बच जाएगा। रिसर्चर को सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा, अपने रिसर्च पे कंटिन्यू रहना पड़ेगा, बाकी मेंटेनेंस का, मैनेजमेंट का सारा लोड क्लाउड प्रोवाइडर्स खुद ही संभाल लेंगे। सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि जीन एक्सप्रेशन डेटा एनालिसिस क्लाउड कंप्यूटिंग में किस तरीके से यूज़ की जा सकती है और उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।